अब इनका गांधी सेना बदलाव के बाद भी CWC प्रियंका गांधी के हाथ में अब जीत की रणनीति शुरू। बता दें कि कांग्रेस कायापलट के लिए तैयार है। खबर है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के शीर्ष समिति कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC को लेकर कई प्रदेश अध्यक्ष तक में बदलाव की तैयारी है। इसके अलावा संभावना है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश के बजाय बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारियां जारी है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड को जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाले हैं। इसके अलावा गुजरात, उड़ीसा, पुडुचेरी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड में पार्टी प्रभारियों में भी बड़े बदलाव कर सकती है। बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्रों ने बताया कि राजस्थान में जल्दी नए कांग्रेस समिति गठित हो सकती है। दरअसल राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी टकरार पर स्थिति साफ हो पाई है। अटकलें लग रही है कि पायलट जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पर बात से इनकार कर रहे हैं। बीते साल अक्टूबर में हुए कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में CWC में अटकलें बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब कहा जा रहा है कि समिति को लेकर भी पार्टी जल्दी ही अपना घोषणा करेंगी। बता दें कि संगठन में बदलाव की प्रक्रिया कुछ हफ्तों में पूरी हो सकती है। इधर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद पार्टी प्रियंका गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भी वो बड़े स्तर पर प्रचार करने आएंगी। बता दें कि चुनावी राज्य MP के लिए भी प्रियंका गांधी अभी प्रचारक अभियान की शुरुआत कर सकती हैं। वह 12 जून को जबलपुर पहुंच रही हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। पार्टी को यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस 399 पर मैदान में थी, लेकिन दो ही सीटें जीत सकी थी। इतना ही नहीं, पार्टी की 387 सीटें पर जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी की इस हार के बाद से ही प्रियंका के यूपी का दौरा नहीं किया। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं।